जबलपुर से इंदिरा सोनी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम, ये क्या कहते हैं, हम जबलपुर से बोल रहे हैं। मैडम नमस्ते जी। नमस्कार मैम, सबको भी नमस्ते बोलिए। जय हिंद, स्वागत है आपका जबलपुर वालों। जी हम ये बोल रहे हैं सर कि हम मेरे मिस्टर को ना खूब अपरस है पैर में। क्या परेशानी है? अपरस अपरस मैम समझ नहीं। चर्म रोग। चर्म रोग, अच्छा। जी 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 जी। और क्या कहते हैं, उनको ना घुटने में भी तकलीफ है। हाँ। उम्र कितनी है? उम्र 65 साल। जी अच्छा, देखिए एक आता है गौंद सिया, असली खरीदे और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद खिलाए उन्हें, और ये उनके दर्द के लिए है। और अगर उनको चर्म रोग है तो एक दवा आती है जिसे हम बापची कहते हैं, बापची खरीद लीजिए 100 ग्राम, और उसको पाउडर बना लीजिए, और एक चुटकी जितने आपके चुटकी में आए इतना सुबह और शाम अपने हस्बैंड को खिलाया करिए। ये उनके चर्म रोग के लिए नुस्खा है, बापची, याद रखें बापची। ये खुशबूदार एक चीज़ है, जैसे मेथी होती है इस तरह के छोटे छोटे दाने, बहुत खुशबूदार। तो इसको पाउडर बना के एक एक चुटकी 2 बार खिलाएं तो फ़ायदा मुमकिन है। जी।